नमस्कार दोस्तों, हर किसी के लिए सोना बहुत ही कीमती होता है। ज्योतिष में ना तो सोना खोने को और न ही मिलने को शुभ माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि अगर कहीं सोना पड़ा हुआ मिल जाए तो उसे घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि सोना देव गुरु बृहस्पति ग्रह का कारक माना जाता है। तो जिस भी व्यक्ति का सोना खोता है उसकी कुंडली में गुरु अशुभ प्रभाव देने लगते हैं। बृहस्पति को धन ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि शरीर के कौन से अंग का सोना खोना क्या संकेत देता है। सबसे पहले बात करते हैं ईयर रिंग की, यानी कान की बाली गुम होने की। अगर कान में पहनी हुई सोने की चीज खो जाए तो ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है और इसे आप भविष्य में होने वाली खतरे की घंटी मान सकते हैं। इसी तरह नोज रिंग का खोना महिला की समाज में बदनामी को दर्शाता है। वो कहते हैं ना कि औरत का सबसे बड़ा गहना उसकी इज्जत होती है, तो आप खुद ही समझ जाइए कि अगर ऐसा हो तो जीवन में कितना बवाल हो सकता है। तो वहीं अगर मांग टीका गायब हो जाए तो पैसों की तंगी होने के आसार बनने लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब मांग टीका सोने का हो। उसी तरह जब भी गले में पहनने वाला सोने का हार गुम होता है तो ये भी धन की कमी का संकेत होता है, यानी कि आर्थिक तंगी के हालात बन जाते हैं। और अगर हाथ में पहनने वाले सोने के कंगन या चूड़ियां गायब हो जाएं तो इसका मतलब है आपके सम्मान की जल्द ही धज्जियां उड़ने वाली हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर रहें। तो वहीं हाथ में पहनने वाले बाजू बंद के घूमने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हाथ में पहनने वाली सोने की अंगूठी या फिर पैर का बिछुआ खो जाए, हालांकि शरीर के निचले हिस्से में सोना पहनना शुभ नहीं होता है, लेकिन फिर अगर किसी ने सोने की पायल या बिछिया धारण कर रखा है वो खो जाए तो महिला को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और अगर पायल गुम हो जाए तो इसे सुहाग के लिए अपशगुन माना जाता है। आपको बता दें कि दाएं पैर की पायल खोने से समाज में बदनामी सहनी पड़ सकती है, तो वहीं बाएं पैर की पायल गुमने से एक्सीडेंट अथवा महाविपदा के अधिक आसार होते हैं। किसी महिला या बच्चे से सोना खो जाए तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा होने पर घर में कलह होता है और दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आने लगती है। ज्योतिष के अनुसार गुरु की धातु है सोना। अगर सोने के आभूषणों की देखभाल सही ढंग से नहीं की जाती है तो वो कहीं खो जाते हैं, तो गुरु ग्रह अशुभ हो जाता है। मान्यता है कि सोना खोना अशुभ होता है और सोना मिलना भी अशुभ माना जाता है। सोने का गुम हो जाना संबंधित व्यक्ति के लिए गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव की ओर संकेत करता है। बृहस्पति को धन ऐश्वर्य के कारक के रूप में देखा जाता है। सोना खोने को ऐश्वर्य की हानि के रूप में देखा जाता है। गुरु ग्रह के दोष कम करने के लिए गुरुवार का व्रत रखें, जिसमें पीले वस्त्र पहने व बिना नमक का भोजन करें। भोजन में पीले रंग की चीजें जैसे बेसन के लड्डू, आम आदि शामिल करें। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही इसी तरह की जानकारी लेने के लिए जुड़े रहें कुंडली टीवी से।